चैप्टर 14 नेवर लूज होप, यानी कि हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अनमोल वॉज अ 10-year-old बॉय। अनमोल एक 10 साल का बच्चा है। ही वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, बहुत ही बढ़िया खेलता है वो। ही हैड वॉन मैनी रेसेस इन हिज स्कूल, बहुत सारी दौड़ में उसने पार्ट लिया, पार्टिसिपेट किया और उसमें वो जीत भी जाता था। वॉन मतलब जीतना। वंस ही वॉज सेलेक्टेड एज अ रेसर टू रिप्रजेंट हिज स्कूल इन एन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। एक बार की बात है, एक बार वो रेसर के रूप में स्कूल की तरफ से वो सिलेक्ट हुआ था इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन के लिए, जो कि उसके स्कूल में हुआ था। सो थ्रू ही वॉज अ वेरी गुड रेसर, येट ही फेल्ट नर्वस एट द कॉम्पिटिशन वुड बी वेरी टफ। अब इतना अच्छा रेसर होने के बाद भी अनमोल बहुत ही नर्वस था, यानी कि बहुत ही घबराहट उसको हो रही थी कंपटीशन को लेकर, कि कंपटीशन बहुत ही टफ हो जाएगा। देन जस्ट देन ही सॉ अ स्मॉल एंट कैरिंग अ ग्रेन ऑफ शुगर। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी जा रही थी एक शुगर का दाना लेकर। एंड इट वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब द वॉल बट इट रिपीटेडली फेल्ड। बार बार वो दीवार पर, वॉल पर चलने की कोशिश कर रही थी, क्लाइंब करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार वो फेल हो जाती थी। इट कीप्ड ऑन ट्राइंग एंड फाइनली इट सक्सेस्ड इन रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। तभी वो बार बार ट्राई करती गई और फाइनली उसको अपनी मंजिल मिल गई, डेस्टिनेशन मिल गई उसको। लुकिंग एट द एंट, अनमोल थॉट दैट इफ अ स्मॉल क्रीचर लाइक एन एंट डिड नॉट गिव अप होप एंड रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, व्हाई शुड ही गिव अप। तभी उसको समझ में आ गया उस चींटी की मेहनत देखकर कि अगर ये छोटी सी चींटी, यानी कि स्मॉल क्रीचर लाइक एन एंट, जब ये अपनी उम्मीद नहीं छोड़ रही, जब ये अपना होप नहीं छोड़ रहे हैं और अपनी मंजिल को पा लेते हैं, तो मैं क्यों छोड़ूं अपनी उम्मीद, मैं क्यों अपना लॉस करवाऊं। सो ही मस्ट नॉट लूज हर होप, हिज होप एंड करेज। तो उसे भी अपना होप, अपनी हिम्मत और अपना उम्मीद बना के रखना चाहिए, ना कि उसको हारना चाहिए। ही शुड ट्राई हिज बेस्ट टू अचीव हिज गोल, और उसे अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए उस गोल को अचीव करने में। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, और अगले दिन से ही उसने, अनमोल ने बहुत ही प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। So in the final race he ran confidently and stood second among 10 participants। और अगले ही दिन फाइनली वो दिन आ गया जब फाइनल रेस था और अनमोल बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उसमें उसने पार्टिसिपेट किया और 10 पार्टिसिपेंट में उसकी रैंक कौन सी लगी, सेकंड। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग असेंबली द प्रिंसिपल प्रेज्ड अनमोल एंड ऑल द चिल्ड्रन क्लैप्ड फॉर हिम, हिज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस फेल्ट प्राउड ऑफ हिम। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो स्कूल गया, उसके प्रिंसिपल ने अनमोल की बहुत तारीफ की सबके सामने और सारे बच्चों ने अनमोल के लिए क्लैपिंग की और उसके पेरेंट्स और टीचर भी काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे। ये सब तभी हुआ जब अनमोल ने अपना हौसला नहीं हारा, है ना, नेवर लूज होप, अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, परफॉर्मेंस मैटर्स नॉट पोजीशन और प्लेस। और वो सेकेंड ही आया तो क्या हो गया, उसने पार्टिसिपेट किया उस रेस में, ये मैटर करता है, उसका परफॉर्मेंस मैटर करता है, ना कि पोजीशन और ना कि प्लेस। नाउ न्यू वर्ड्स जो कि चैप्टर में आए हैं, रेसर यानी कि धावक, रिपीटेडली मीन्स बार बार, डेस्टिनेशन मंजिल, कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास पूर्ण, एंड प्रेस्ड मीन्स प्रशंसा की यानी कि तारीफ की। नाउ हाउ ओल्ड वॉज अनमोल, सो अनमोल वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। वाई वॉज अनमोल अपसेट,
अनमोल क्यों अपसेट था? क्योंकि ही वॉज अ वेरी गुड रेसर एंड येट ही फेल्ट नर्वस एज द कॉम्पिटिशन वुड बी टफर, है ना। इस वजह से कॉम्पिटिशन को लेकर वो काफ़ी परेशान था। वॉट वॉज द एंट कैरिंग? एंट ने क्या कैरी किया था? एंट ने कैरी किया था शुगर। द एंट कैरिंग अ ग्रेन ऑफ शुगर। देन वॉट लेसन डिड अनमोल लर्न फ्रॉम द एंट? सो द अनमोल लर्न द लेसन फ्रॉम द एंट दैट ही शुड नॉट गिव अप। देन वाई डिड द प्रिंसिपल प्रेज अनमोल? The principal praised Anmol because he got the second position in the inter-school sports competition. Then, word power. Fill in the blanks with the help of the words given in the box. We play various sports at school. Slow and steady wins the race. Little girls jumped and clapped their hands. We should not lose hope in difficult times. Language practice. Complete the following sentences using articles a, an or the. इसका यूज करके हमें इनकी सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सो अ बॉय सॉ एन एलिफेंट इन द जू। आई टुक एन अम्ब्रेला व्हेन आई वेंट फॉर द वॉक। वी आर गोइंग टू सी द ताज महल।